मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो सर्दियों में धूप मिल जाए तो क्या बात है। तो आज बहुत अच्छा सनी वेदर हो रहे हैं, और सर्दियों में एक और अच्छी बात होती है कि किचन में आप घंटों काम कर सकते हो, जबकि गर्मियों में थोड़ी देर काम करने में ही हालत जो है पस्त हो जाती है। मन नहीं करता, पसीने छूटने लगते हैं, तो मन करता है बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और निकलो किचन से। इवनिंग में तो फिर भी गर्मियों में थोड़ा बहुत काम कर लेता है बंदा, या फिर अर्ली मॉर्निंग, लेकिन ऐसे टाइम पर नहीं कर पाता जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, लाइक आफ्टर 11 o'clock बहुत गर्मी बढ़ जाती है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में 11 बजे के बाद काम करने में ही मज़ा आता है, क्योंकि धूप आती रहती है। और मेरी किचन में भी बहुत अच्छी सी धूप आ रही है। अभी मैं किचन में नहीं खड़ी हूँ, अभी तो बेडरूम में हूँ, जस्ट शावर लेकर निकली थी। तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा कुक करूँ जो कि सर्दियों से रिलेटेड हो और जिसे खाकर ना मज़ा आ जाए। आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। और आपका संडे कैसा जा रहा है, कैसा गया है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगी लंच। सुबह की पूजा तो हो चुकी है, अभी ये जो मेथी काट के रखी है उससे अच्छे से वॉश कर लेना है। इसको मैं हल्का सा बॉईल करूँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। पूजा करने से पहले सुबह सुबह उठकर ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा आलू मैंने बॉईल किए हैं, क्योंकि कुछ आलू तो हमें मक्के के कचौड़ी बनाने में काम में आएंगे और कुछ का मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्जी। ठंडियों का मौसम है और ठंड के मौसम में आलू के पराठे हो या आलू की कचौड़ियाँ हो, मक्के की कचौड़ियाँ हो या मक्के के आटे की रोटी हो, सरसों का साग हो, ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है ना। और पूरे साल हम लोग विंटर का वेट करते हैं, क्योंकि यही मौसम होता है जिसमें खाने का ना स्वाद आता है। गर्मियों में तो खाना खाने का मज़ा ही निकल जाता है, बस सारा दिन लिक्विड यानी कि पानी और जूस, नहीं तो मैंगो शेक, लस्सी। लेकिन खाने का जो असली मज़ा है ना, वो विंटर में ही है। और मकई का जो आटा है इस टाइम बहुत फ्रेश फ्रेश मिलता है मार्केट में, तो खाने में मज़ा भी आता है। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाने वाली हूँ सर्दियों की फेवरेट डिश, जो मेरी और मेरे परिवार की भी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और आजकल भर भर के ग्रीन वेजिटेबल्स मिल रही हैं, जैसे मेथी है, पालक है, बथुआ है, तो ये सही टाइम है इन सारी सब्जियों को यूज़ करने का। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है मक्के के आटे से। तो मैं मक्के के आटे की कचौड़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास मक्के का आटा, जो मैंने फ्रीज में स्टोर करके रखा हुआ है, जिससे कि वो ख़राब ना रहे और फ्रेश रहे। और इसी के साथ मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ मेथी। तो मेथी और उसमें कुछ आलू, यहाँ पर 3 आलू मैंने ले लिए, इसे कद्दूकस कर लूँगी। और इसके अलावा प्याज ली है। मैं दिखा दूँगी मैं क्या क्या चीज़ें डालने वाली हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। तो मक्के की जो कचौड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ, या फिर मेरी तरह आलू टमाटर की सब्जी बनाकर भी इंजॉय कर सकते हो। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्जी, तो पहले इसे रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कचौड़ियाँ तैयार करेंगे, क्योंकि कचौड़ियाँ तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं खाने में। लेकिन साथ के साथ मैं सोच रही हूँ ये जो मेथी है इसको हल्का सा बॉयल कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी ना मॉइस्ट हो जाएगी और आटे के साथ अच्छे से बाइंड हो पाएगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इसका जो पानी होगा ना जिसमें मैं बॉयल करूंगी, उसी पानी से मैं ये आटा भी लगा लूंगी, तो पानी भी हमारे काम में आ जाएगा। अभी आलू टमाटर की सब्जी रेडी कर रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगी। मेथी
मेथी बॉईल हो चुकी है, सॉफ्ट भी लग रही है इस टाइम, और बस इसका पानी छान लूंगी और मेथी को साइड कर लूंगी। इधर मेरी टमाटर आलू की सब्जी भी बनकर जल्दी से तैयार हो जाएगी। बस टमाटर, जीरा, हींग और सारे मसाले डाल दिए हैं और फटाफट से इसमें 2-3 विसल लगाऊंगी। मेथी के पानी को मैंने यहाँ पर छान लिया है। वैसे इतने पानी की हमें ज़रूरत नहीं लगेगी, बहुत ही कम पानी में आटा लगकर तैयार हो जाएगा। मकई मेथी की कचौड़ी बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 से 3 आलू लिए थे जिससे मैंने ग्रेट कर लिया है, एक बड़ी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है बारीक, मेथी का पानी और एक कटोरी मेथी ले ली है मैंने बॉयल करी हुई, साथ में जिंजर है और हरी मिर्च है, ये भी मैंने ग्रेट करके रखी है। तो बस अब क्या करना है, 2 कप के करीब मैं ले रही हूँ मकई का आटा और उसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ मेथी और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई प्याज, इसी के साथ डाल रही हूँ उबले हुए आलू। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं पहले डाल रही हूँ, पानी बाद में ऐड करूँगी, बहुत ही कम पानी ऐड करना है क्योंकि इन सब चीज़ों में हल्का सा मॉइस्चर होता है, जैसे कि प्याज में भी होता है आपके और मेथी में भी है, तो इसी वजह से पानी हमें बहुत ध्यान से ऐड करना है। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है, अदरक ऐड कर दी है, इसी के साथ 1 चुटकी के करीब मैंने हींग ऐड करी है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड करी है, इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इन सब चीज़ों के साथ आप मिलकर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको, एकदम मज़ा आ जाएगा खाने में। अब बस बिना पानी डाले इसको पहले इसी तरीके से मिक्स कर लेना है, सारे चीज़ों को देखना है कि कितने पानी की इसमें ज़रूरत लगेगी। तो अभी तक मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है और आप देख सकते हो कि आटा लगभग लगकर तैयार है। तो बहुत ही थोड़े पानी से मैं इस आटे को लगाकर तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी में लिया था पानी और वो भी बहुत कम यूज़ किया है मैंने, देखभाल के मैं बार बार ऐड कर रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। तो इस तरीके से मकई का आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है और अब हम बनाएंगे इससे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मेरे मकई का आटा लग चुका है, तो अब जल्दी जल्दी तैयार करते हैं मकई मेथी की कचौड़ी। और इसमें आलू अंदर ही हम लोगों ने स्टफ कर दिए क्योंकि कचौड़ी में कोई ना कोई स्टफिंग होती है, तो हमारे आटे के साथ ही आलू लगा हुआ है, साथ में मेथी लगी हुई है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने मिलाए हैं, इससे कचौड़ी का जो स्वाद है ना वो बहुत ही उम्दा आता है। चटनी के साथ खाइए आप इसे, हाँ मज़ा आ जाएगा। तो जिनका हाथ मक्के के आटे के लिए सेट है तो वो तो हथेली में ऐसे दबा दबा कर बना सकते हैं, मैं भी बना लेती हूँ लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ना एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसी वजह से मैंने लिए यहाँ पर एक जिप लॉक बैग ले लिया था, उसको यहाँ से जिप मैंने काट दी थी, इस टाइप से ये मैंने रेडी कर लिया है और इसी की हेल्प से मैं सारी की सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है मक्के के आटे के साथ तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ही आसानी से बिना टूटे और बहुत ही जल्दी आप ये कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चकला ले लिया है और यहाँ पर लगा लिया है ये पॉलीथिन और इसमें लगा लिया है थोड़ा सा घी, इस तरीके से चिपके नहीं। और अब मुझे लेनी है लोई, लोई तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लोई ले ली है और अब इसको बीच में रख रही हूँ यहाँ पर और इसको कवर कर देना है इस तरीके से और अब इसे दबा दबा कर ऐसे कर लेना है। तरीके से मैं मकई मेथी की कचौड़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ
उसी तरीके से आप मकई की रोटियां भी तैयार कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा हाथ सेट नहीं है तो आप इसी तरीके से ट्राई करके देखना, बहुत आसानी से और बिना टूटे आप मकई की रोटियां भी तैयार कर सकते हो। कुछ लोग इसे मक्के की रोटी बोलते हैं, कुछ मकई की बोलते हैं, तो मैं दोनों ही तरीके से बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पर तेल अच्छे से गरम कर लीजिए, उसके बाद एक एक कचौड़ी डालते जाइए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो ज़्यादा देर तक सेकिए, जैसे मुझे खुद को बहुत क्रिस्पी पसंद है तो मैं अपनी जो है ज़्यादा सेकूँगी। तो आज खाने का इंतजाम भी मैंने धूप में किया है कि धूप में बैठ के खाएंगे यहाँ पर अपनी बालकनी में, मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल भी सेट कर ली है। कचौड़ी, हाँ मक्के की कचौड़ी और ये आलू टमाटर सब्जी। हाँ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना गाइस, ये वाली मक्के की कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ना इन्हें ऐसे भी खा सकते हो, किसी भी सब्जी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी खाओगे ना चाय के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, सच्ची में सबसे अच्छा और यम्मी ब्रेकफास्ट है विंटर का। तो प्रशांत शावर लेने गए हैं, वो बस शावर लेकर आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। मिर्च का अचार कशिश, मिर्च का अचार तो तेरा फेवरेट है। शावर लेके आना था, आप आए नहीं शावर लेके? कहां से, हार्डवेयर की स्टोर से। हां मैं आ गया हूं, शावर लेके आ गया हूं, बहुत ढूंढा मैंने शावर को, मिला नहीं। अच्छा तो तुम मतलब ऐसे ही आ गए बाथरूम में से? हां शावर। मम्मी ये कभी नहीं बनाई आपने? नहीं, बहुत टेस्टी है, इतनी बार खाती हूं भूल जाती है, पर बहुत टेस्टी बनाई है। तो इस बार तो बहुत टेस्टी लगी है। ज्यादा नहीं बनाती हूँ लेकिन साल में एक दो बार तो बनाती हूँ। बहुत तो नहीं, आप कुछ अलग बात है, बहुत ही यम्मी बनी है ना। मुझे तो मक्के के आटे की रोटियों से भी ज्यादा पसंद है ये कचौड़ियाँ, बहुत अच्छी बनी है। ये तुमने किसे, बेसन से? नहीं मक्के के आटे से बनाई है। अच्छा ट्राई करनी चाहिए लोगों को। बस बिंदास होकर ट्राई करिएगा, बहुत ही और धूप में बैठ के खाइएगा संडे वाले दिन।
तो मजा ही आ जाएगा। मैं बताऊँ बिल्कुल चटपटा सा फ्लेवर है तो बहुत मजा आ रहा है। जमीन पे बैठ के या खाट? खाली कचौड़ी भी आप खाओगे ना बिना किसी उसके तब भी अमेजिंग है। सर्दी लग रही थी मेरे को तो थोड़ी देर में लेट गई थी। खाना खा के वैसे भी बहुत अच्छी सी नींद आती है, सोने की कोशिश करी लेकिन नींद नहीं आई। तो जब मैं ऐसे लेटी हुई थी तो मैंने सोचा कुछ देख लेती हूँ। मैंने चलाया MX Player पर एक है ना पति पत्नी और वो सीरियल है आई थिंक या फिर मूवी है, उसमें रिया सेन है, तो वो वाली मूवी मैं वॉच कर रही थी। तो मेरे कुछ एपिसोड्स मैंने बहुत पहले वॉच कर लिए थे और 2-3 एपिसोड्स बचे थे, तो मैंने सोचा था आज उसे ख़त्म कर देती हूँ, पूरी वॉच कर लेती हूँ। तो संडे की चाय बनाई है आज प्रशांत ने, उन्होंने बोला तुम लेट रही हो तो लेट ही रहो, मैं तुम्हें आज चाय बना के पिलाता हूँ। मैंने कहा तुम आज लेट हो तो लेट ही रहो। लेट हो तो लेट ही रहो, वाह। कुछ भी ये ऐसे रैंडम जोक था जो कि पता नहीं सही से क्रैक भी हो पाया है नहीं, लेकिन इसमें अदरक है कि नहीं है? बहुत सारी। अगर इसमें अदरक का स्वाद नहीं आया ना, दुनिया जहान की अदरक है इसके अंदर। दुनिया जहान की नहीं, बस तुम अपने फ्रिज में से निकाल कर अदरक। अदरक की चाय है ये, अदरक की चाय। कौन सी चाय? अदरक की। सर्दी हो रही है। सर्दी ओए सर्दी। इसके साथ गाजर का हलवा और हो, मतलब चाय के साथ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा के अभी मुझे लगता है अभी जस्ट तुमने थोड़े दिन पहले गाजर का हलवा खाकर खत्म किया। पहले मैंने बनाया, फिर मिनी दीदी ने भेजा था, मेरी सिस्टर लॉ ने भेजा था गाजर का हलवा, उन्होंने बनाया हुआ अपने घर पे। मस्त चाय बनी है, मस्त। हाँ अपनी चाय तो मस्त ही लगती है, मुझे मुस्टार्च वाला कप क्यों दिया है? अपना किया हुआ काम ना हर परफेक्ट ही लगता है हर इंसान को। मैं बताती हूँ कैसी बनी है। अब तुमने अगर इसमें मुझे निकलाई तो मुझे क्यों दिया फिर मुस्टार्च वाले में? अच्छी बनाई है बाय द वे, आपने बहुत अच्छी बनाई है। बस चाय बनी है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा गाइस। मेरी नकल कर रहे हो हर चीज। तुमने चाय की रेसिपी दी जो लोग ट्राई करेंगे, है ना? एक दिन मैं बनाऊंगा चाय की रेसिपी की वीडियो। पता है शाम के टाइम ज्यादा ठंड हो गई है, सुबह के टाइम एक तो और एक शाम के टाइम ठंड पड़ने लगी है। दिसंबर है, वैसे भी दिसंबर में ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? बाय द वे कशिश, तूने अब तक अपना क्रिसमस ट्री नहीं लगवाया इस साल? हाँ पता है बहुत लेट हो गया, मैं सोची थी एग्जाम से पहले शुरू लगा दूं, पर उस टाइम बहुत जल्दी हो रही थी, मतलब उस टाइम शादियां भी आ गई थी ना। हाँ शादी भी आ गई थी और 8 तारीख की थी, मतलब 8 तारीख को कौन लगाएगा क्रिसमस ट्री? वैसे तो बहुत लोग लगा लेते हैं, बट हम लोग ने सोचा थोड़ा देर से ही लगाएंगे। अब मैं कुछ ही दिनों में लगाने वाली हूँ, 2-3 दिनों में लगा ही दूंगी क्रिसमस ट्री, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर साल हमारे क्रिसमस ट्री लगाने का दिन एक सेलिब्रेशन टाइप होता है जिस दिन लगाते हैं, और उस और जो 25 दिसंबर होता है उस दिन हम काफी सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन लगाते हैं उस दिन तो बस ऐसे ही फन करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे मूड लाने के लिए, जैसे कि दिसंबर और विंटर मूड है, छोटा सा लाइक फेस्टिवल मनाते हैं, काइंड ऑफ लाइक पूरे मॉर्निंग में हम लोग ट्री सजा देंगे, उस पर लाइट्स लगा देंगे, उस पर सारे ऑर्नामेंट्स लगा देंगे, मजा आएगा ना। हर साल वैसे क्रिसमस ट्री सजाने का जो क्रेज है ना, हाँ वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना वैसे। इस बार अगर ये कोविड नहीं होता ना तो मैं इस साल और क्रिसमस की थोड़ी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे हर साल क्रिसमस के लिए नए नए ऑर्नामेंट लेना बहुत अच्छा लगता है। हर साल एक नया ऑर्नामेंट भी ऐड करते हैं, बट इस साल तो आई डोंट थिंक पास कोई नया ऑर्नामेंट होगा। हम लोग कुछ DIY कर सकते हैं, लेकिन मम्मी मैं सोच रही थी हम कोई DIY ऑर्नामेंट बना सकते हैं। हाँ रियली? हाँ कुछ ग्लिटर विटर डाल के बना देंगे हम कोई। चलो ठीक है। हाँ वो है। और जब तक क्रिसमस ट्री लगा रहता है ना घर में इतनी प्यारी वाइब्स रहती है ना। हाँ बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट ईयर तो हम लगा के चले भी गए थे, कहाँ गए थे हम लोग? मसूरी गए थे हम लास्ट ईयर लगा के चले गए थे, मुझे याद है कि हमने। चलिए गाइस यही था आज का व्लॉग, और
आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर, और मेरी बनाई हुई डिश जरूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी है। मैं कहने को नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बनाई है, इसलिए बोल रही हूँ, वो वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी। जब आप उसे बनाओगे और खाओगे और अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाओगे तो एक बार आपको वाह तो बोलने ही वाले हैं, मतलब वाह ऐसे निकलेगा उनके मुंह से, बहुत ही टेस्टी लगती है सच्ची में। तो आप ट्राई जरूर करना और बताना जरूर कि बनने के बाद आपको कैसी लगी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय गाइज़।